प्रयागराज शूटआउट के करीब चार हफ्ते बाद सरकार ने अतीक के मददगार पुलिसकर्मियों पर कड़ा एक्शन लिया है और अतीक के गुर्गों की मदद करने के आरोपी पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। जिले के तीन थानों के आठ पुलिस वालों पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस मुख्यालय ने एसटीएफ के खुलासे के बाद तीन थानों के आठ पुलिसकर्मियों को जिले से बाहर भेज दिया। जिन थानों के पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन हुआ है उनमें करेली, धूमनगंज और पूरा मुफ्ती थाना शामिल है, जिसमें एक इंस्पेक्टर, तीन दरोगा और चार सिपाही का ट्रांसफर हुआ है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इनको भेज दिया गया है। इन पुलिस वालों पर अधिक के करीबियों की मदद का आरोप है। हत्याकांड की जांच में लगी एसटीएफ की टीम ने जब कॉल ट्रेस की तो इन पुलिस कर्मियों की मिलीभगत सामने आई। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी है। अतीक के भाई अशरफ को लॉजिस्टिक देने वाले प्रॉपर्टी डीलर आरिफ का भी पता चल गया है। प्रयागराज से लेकर बरेली तक के प्रॉपर्टी डीलर्स और रसूखदारों तक अशरफ के लोगों ने भी पहुंच बना ली थी। सूत्रों से यह भी पता चला है कि कई प्रॉपर्टी डीलर भी लल्ला और सद्दाम की मदद से जेल में जाकर अशरफ से मुलाकात करते थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर, क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लल्ला गद्दी के साथ पकड़ा गया आरिफ अपनी पहचान पत्र पर सबकी मुलाकात करवाता और अशरफ को लॉजिस्टिक सपोर्ट करता। पुलिस अब लल्ला गद्दी और आरिफ को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। थाना भीतरी चैनपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जेल में गैर कानूनी तरीके से मिलवाने के संबंध में। तो उसमें दो जो हमारे वांछित अभियुक्त थे, लाला गद्दी जो कि बरेली का निवासी है और आरिफ जो कि पीलीभीत का निवासी है, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल कल भेजा गया है। देखिए, जो मुलाकात हुई थी उसमें आरिफ की एक आईडी लगी थी। आरिफ को इसकी जानकारी थी कि उसकी आईडी से फर्जी तरीके से लोगों को मिलवाया जा रहा है। और दूसरा जो आरिफ का रोल था इसके अलावा, वो गैर कानूनी तरीके से बाहर से सामान अंदर पहुंचाना। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में योगी सरकार आज बड़ा एक्शन लेने वाली है। आज एक साथ अतीक के कई गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुताबिक आज प्रयागराज के जलवा इलाके में बुलडोजर चलेगा। ये वही इलाका है जहां अतीक के गुर्गे बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग करते हैं। जिन इलाकों में बुलडोजर चलने वाला है उनमें बख्शी, मोडा, बख्शी, दामूपुर, सैदपुर, बीरमपुर, लखनपुर, रावतपुर समेत और दूसरे इलाके भी शामिल हैं। आज और कल डिमोलिशन की ड्राइव चलेगी। इसको लेकर पीडीए ने पर्याप्त सिक्योरिटी का इंतजाम करने के लिए जिला प्रशासन को खत भी लिख दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन तेज है। मंगलवार को अतीक के दफ्तर में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। अतीक के ड्राइवर और मुंशी समेत 5 गुर्गों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश भी तेज कर दी गई है। पुलिस को शक है कि शाइस्ता विदेश भाग गई है। ऐसे में उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी भी है। अतीक का बेटा असद और उसके 5 शूटर्स, जिन पर 5-5 लाख का इनाम है, वो सभी अब भी फरार हैं। तो आज फिर अतीक के गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी है। अतीक के दफ्तर से गिरफ्तार किए गए नियाज जहमद के बारे में पुलिस ने बताया कि उसी ने उमेश पाल का कचहरी से घर तक पीछा किया। उसे कई दिन पहले उमेश पाल पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। नियाज जहमद अतीक के छोटे बेटे असद के जरिए जेल में कैद अतीक से कॉन्टैक्ट करता था। मैं व्यक्तियों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। नियाज अहमद, जो अभी बिल्कुल प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है जो आपसे शेयर कर सकते हैं, वो ये है कि नियाज अहमद जो है उसको असद ने फोन पर इंटरनेट के माध्यम से अभियुक्त अतीक और अभियुक्त अशरफ से बात करवाई थी। नियाज को रेकी का काम सौंपा गया था। नियाज को कचहरी से श्री उमेश पाल और गनर्स का घर तक पीछा करने की रेकी का काम दिया गया था। अभी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में बताया है, जो इस मर्डर से संबंधित में आपराधिक साजिश। फ्रीडम ऐप से सीखकर, क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि कई बैठकें हुई हैं, जो बैठकें अतीक के घर पर हुई थी उन मीटिंगों में ये शामिल था। जो एमिनेशन इनके पास से बरामद हुआ है वो टोटल एमिनेशन 112 है। संख्या उसकी मैं 112 बता रहा हूँ। इसमें विभिन्न बोर हैं, जैसे 32 बोर, 45, 315, 330, 12,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 6 मोबाइल्स हैं जो इनके पास से बरामद हुए हैं और 5 अभियुक्तों की जो अलग अलग जामा तलाशी है, इस जामा तलाशी में इनके पास से जो मोबाइल फोन्स मिले हैं, इसके साथ साथ इन अभियुक्तों से अलग अलग जामा तलाशी में जो टोटल कैश है वो 2,25,000 इनके पास से मिला है। इनमें से 2 अभियुक्तों की निशानदेही पे जो अभी आपने देखा है, अभियुक्त अतीक के अहमद के जो कार्यालय से बरामदगी हुई है वो 72,37,000, ये प्रिलिमिनरी काउंटिंग में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।